हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज एज वेल। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमने जो है आपका क्लास नाइन्थ का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो ये तीन चीज़ें हैं, इनका जो है एक एक चैप्टर हमने कम्प्लीट कर लिए थे। आज हम लोग आपके फिजिक्स का जो कि सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरा यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। हम लोग पार्ट वाइज इसको करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं आज की वीडियो में ही पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगी, नहीं, आपको अलग अलग पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप लोग देखोगे और आप लोग जो है अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि डियर स्टूडेंट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक बार बहुत लंबा वीडियो होता है उसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट पार्ट में डिवाइड करा है ताकि आप लोग हर दिन जो है देख पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हम लोग चैप्टर रीडिंग के साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजिशन, वेलोसिटी एंड रिलेशनशिप। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपका प्रीवियस चैप्टर जो कि इसी चैप्टर का छोटा भाई यानी कि मोशन हमने करा था, तो देखो मोशन चैप्टर में हमने जो है डिस्क्राइब करा था कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, किस तरह उसकी पोजिशन मूव हो रही है, पोजिशन चेंज हो रही है, और कैसे उसकी वेलोसिटी और चेंज होती है और एक्सीलरेशन प्रोवाइड होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी उस चैप्टर में। ठीक है, वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और हमने ये भी देखा था कि जो ये मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये जो है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था डी एस ए? यूनिफॉर्म मोशन वो होता था जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसका अपोजिट। ठीक है, वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड वॉट कॉजेज मोशन, वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। लेकिन डी एस ए अभी तक हमने ये डिस्कवर नहीं किया कि मोशन को आखिर कॉज क्या करता है। ठीक है, आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो मोशन को लाती है। ठीक है, और जो स्पीड है मोशन की, वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, कैसे जो है स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज करती है टाइम के साथ, तो ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट हमने जो है हमें आज जाननी है। ठीक है, डू ऑल द मोशन रिक्वायर्स अ कॉज, क्या सारे मोशन को कोई ना कोई कारण चाहिए होता है मोशन में आने के लिए, है ना? इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉज। In this chapter, we shall make an attempt to quench all these curiosities. डियर स्टूडेंट देखो, डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोग जो है बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे ये जो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी से आपसे पूछे गए हैं ओवरव्यू में, ये क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। ये एनसीईआरटी बुक जो है बहुत चालाक होती है। ये चालाकी कैसे दिखाती है, क्योंकि इसकी हर लाइन में क्वेश्चन होते हैं। डियर स्टूडेंट आपका जो पहला पैराग्राफ है इसी में आप लोग देख सकते हो तीन चार क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे, क्या पता आपके टीचर आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दे, है ना? तो इसलिए डिस्टर आपको इनको भी अटेम्प्ट करना है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैज प्रिजर्व्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिव अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन। This remained belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understanding motion. तो डियर स्टूडेंट हमेशा से जो मोशन है उसने साइंटिस्ट और जो भी फिलोसफर्स थे उनको कन्फ्यूज करके रखा, वो भी जाए बहुत समय तक कन्फ्यूज रहे, और वो लोग बहुत सोचते थे इसके बारे में कि आखिर ये चीज़ कैसे हुई, वो चीज़ कैसे हुई, है ना? ये सारी चीज़ें जो है ये सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर सोचते थे, है ना? जैसे अगर बॉल को हम लोग ग्राउंड में थोड़ा सा मारते हैं तो भाई थोड़ी देर आगे हो जाती है फिर रुक जाती है अपना, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है ये लोग बहुत इसके बारे में सोचते थे। और फिर गैलीलियो गैलीली और जैसे इसैक न्यूटन जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, इन लोगों ने जो है बहुत सारे नए नए अप्रोचेस निकाले मोशन को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। इन आर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व डेट सम इफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन टू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट।
बट इस हमारी जो रोज की ज़िंदगी है, हमने ऑब्जर्व करा है कि कहीं ना कहीं कोई एफर्ट तो हमें लगाना ही पड़ता है कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या उसको मोशन से रोकने के लिए। सपोज जिस दिन मान लो कि आपको अपनी एक बुक लानी है अपने टेबल से, तो आप क्या करोगे, बुक को उठाना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। तो कुछ ना कुछ एफर्ट आपको करना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू बुक को उठाने के लिए, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, वैसे ही अगर आपका कोई बॉल है जो रोल कर रही है ज़मीन में, अगर आपको उसको रोकना है तो आपको दूसरी साइड से आके हाथ लगाना पड़ेगा उसको रेस्ट में लाने के लिए, है ना। तो डियर स्टूडेंट, हमने एवरीडे लाइफ में भी देखा है, वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज अ मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश हिट और पुल। Let us now ponder about a force. What is it? In fact, no one has seen, tasted or felt a force. अब देखो इसमें बचपन से ही जो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, मतलब थोड़ी छोटी क्लासों में आपने देखा होगा, फोर्स की डेफिनेशन आपको लिखवा देते हैं पुश और अ पुल। लेकिन इसमें क्या पुश और अ पुल फोर्स है? नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखो तो क्या आपने कभी फोर्स को देखा है? नहीं देखा है फोर्स को कभी, है ना। फोर्स के सिर्फ इफेक्ट दिखते हैं आपको, है ना। सपोज मान लो आपको दरवाजा खोलना है, तो आप क्या करते हो, आप दरवाजे में ताकत लगाते हो तब वो अंदर को आता है। तो इसका मतलब आप दरवाजा जो जब दरवाजा अंदर को आया तो आपको पता चला कि हाँ फोर्स अप्लाई की है। तो फोर्स के सिर्फ इफेक्ट दिखते हैं, है ना। उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स, ऐसा थोड़ा होता है ना। डीजे पुश और अ पुल तो सिर्फ फोर्स के इफेक्ट्स हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाई डिस्क्राइबिंग वॉट हैपन्स वेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। दे मूव बिकॉज दे मेक अ फोर्स एक्ट ऑन डैम। फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेस यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट दैट द फोर्स कैन बी यूज टू चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस डियर स्टूडेंट, तो जैसे कि आपने अपनी अर्लियर क्लासेज यानी कि क्लास 8th में आपका चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, वो अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जो फोर्स है डियर स्टूडेंट वो किसी ऑब्जेक्ट की या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी चेंज करने के लिए अप्लाई की जाती है ना, या फिर आप वेलोसिटी सारे टर्म्स आप फैमिलियर हो जाइए बिकॉज ये सारे टर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं हमारी जो क्लासेस थी 8th वगैरह इन सब, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है फोर्स कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट को फास्ट या स्लो कराने के भी लगाई जाती है। सपोज मान लो आप कहीं ज़मीन में बॉल को रोल कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आएगी बॉल बहुत धीरे चल रही, तो आपने थोड़ा उसमें और ताकत लगाई तो उसको और तेज़ से रोल करना पड़ा, है ना। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट फोर्स जो है कहीं ना कहीं अप्लाई की जाती है किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। सपोज मान लो आपने बॉल जो है स्ट्रेट लाइन में आप घुमा रहे हो, आपने कहा कि चलो आप इसको लेफ्ट थोड़ा घुमाते हैं, तो आपने उसको फिर से फोर्स अप्लाई की, है ना। उसके बाद वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स कोई ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकती है। डियर स्टूडेंट रबर बैंड है, रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो तो उसका साइज बड़ा हो जाता है ना जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो डियर स्टूडेंट इससे पता चलता है कि फोर्स जो है शेप और साइज भी चेंज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी डियर स्टूडेंट आपके फर्स्ट पैराग्राफ में जो दिया इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स। तो डियर स्टूडेंट अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स की बात करते हैं। फिगर 8.3 शोज अ वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई आर टाइड इन टू द अपोजिट फेसेस ऑफ ब्लॉक एज शोन। तो डियर स्टूडेंट ये देखो, ये एक आपका ब्लॉक है वुडन ब्लॉक जिसको हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा गया है। अब दो स्ट्रिंग्स हैं, एक आपकी एक्स स्ट्रिंग है और एक वाई स्ट्रिंग है जो कि इस बॉक्स में टाई कर दी गई है अपोजिट फेसेस ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इफ़ वी अप्लाई तो अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, अगर आप स्ट्रिंग एक्स को पुल करते हो तो आपका ब्लॉक कहाँ को मूव करेगा, राइट साइड को मूव करेगा। सिमिलरली इफ़ यू पुल द स्ट्रिंग वाई इट द बॉक्स विल मूव टू लेफ्ट, और अगर हम वाई स्ट्रिंग को खींचेंगे तो बॉक्स ऑब्वियसली बात है लेफ्ट साइड को आपका मूव करेगा। बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द बोथ द साइड विथ इक्वल फोर्सेज, लेकिन डियर स्टूडेंट अगर हम लोग इसी वुडन ब्लॉक को दोनों साइड से हम लोग दोनों स्ट्रिंग्स को पकड़ के खींचें वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करके, तो क्या ये वुडन ब्लॉक मूव करेगा?
नहीं करेगा, है ना, बिकॉज इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें टीचर नई नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने फोर्सेज और प्रेशर वाला जो चैप्टर था क्लास एट में उसमें आपने पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ी है, अगर आप भूल गए हो नेट फोर्स बैलेंस फोर्स वगैरह, तो आप फिर से जाके देख सकते हो, क्योंकि एट्थ क्लास का साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। तो टीचर आप लोग दोनों साइड से अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉक्स मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड विद द इक्वल फोर्सेज द ब्लॉक विल नॉट मूव। सच फोर्सेज आर नोन एज बैलेंस फोर्सेज एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ऐसी फोर्सेज जो है स्टेट चेंज नहीं कर सकती ऑब्जेक्ट का। देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर आप उसमें बैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे उसका, वो मोशन में कभी नहीं आ सकता। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, आप उसमें बैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे, वो ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट में नहीं आ सकता, है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो डीएसटी नेक्स्ट है, नाउ लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। अगर डीएसटी अब आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करना है दोनों साइड से, ठीक है। अब देखो, इस केस में डीएसटी क्या होगा, ब्लॉक जो है मूव करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई करी। सपोज मान लो कि ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स में सपोज मान लो एक्स में हम लोग 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और वाई में हम लोग 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉक्स कहाँ को मूव करेगा? ऑब्वियसली बात है, बॉक्स इधर साइड को मूव करेगा, है ना। तो डीएसटी इस केस में बॉक्स उस साइड को मूव करता है जहाँ पे आपका जो है ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है। डज द टू फोर्सेज आर नॉट बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉक्स मूव। दिस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन। यानी कि सिर्फ अनबैलेंस फोर्स ही स्टेट चेंज कर सकते। What happens when some children try to push a box on a rough floor? They push the box with a small force. The box does not move because the friction acting in the direction opposite to the push. अब देखो डीएसटी, एक फ्रिक्शन चीज़ ऐसी आती है नई आपके इस चैप्टर में, नई तो नहीं लेकिन हमने क्लास एट में भी शायद फ्रिक्शन पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या होती है डीएसटी? फ्रिक्शन होता है एक अपोजिंग फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़मीन में जाता है उसमें फ्रिक्शन लगता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फ्रिक्शन से आपने इंटरलॉकिंग्स के बारे में पढ़ा था क्लास एट में, अगर आपको याद हो, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, पढ़ लो फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन आगे बहुत काम आते हैं, है ना। क्लास एट्थ में मैंने फ्रिक्शन बहुत अच्छी तरह समझाया है, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करा है। क्लास एट्थ की प्लेलिस्ट रेडी है, साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास एट्थ में फ्रिक्शन वीडियो देखिए और अच्छी तरह समझिए, ठीक है। तो देखिए फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन होती है डीएसटी। सपोज मान लो जैसे बच्चे पुश लगा रहे हैं, बेचारे देखो ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग इनको पुश करें, लेकिन बेचारे से हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फ्रिक्शन भी यहाँ वो लग रहा है ना। फ्रिक्शन भी और कैसे लगता है, दो रफ सर्फेस जब आपस में आते हैं, कोई भी ऐसा सर्फेस नहीं होता जो बिल्कुल इतना स्मूथ हो जाए कि भाई बिल्कुल इंटरलॉकिंग हुए ना, है ना। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, और जब ये इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं तो आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो पाता है। बस सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे लिख रखा है नेक्स्ट, दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर रफ सर्फेस। इट बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स एंड देयर वोर द बॉक्स डज नॉट मूव। क्योंकि ये स्टूडेंट देखो क्या हुआ, बेसिकली हुआ क्या, इन बच्चों ने एक फोर्स अप्लाई की, सपोज मान लो इन्होंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस साइड को। अब देखो नीचे से इरेगुलरिटीज़ के चक्कर में, क्योंकि बॉक्स और रफ सरफेस जो फ्लोर का है, दोनों के इरेगुलरिटीज़ के चक्कर में क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स भी एकदम सेम मैग्नीट्यूड में लग गई अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे में क्या हुआ, आपका बैलेंस फोर्स हो गई, है ना। इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, देखो डीएसटी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वो ये चीज़ है कि कोई भी जो फोर्स होती है वो जब इस डायरेक्शन में जाती है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती है इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो डीएसटी जब हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, यानी कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, दोनों फोर्सेज को ऐड करके। तो देखो 5 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में -5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 0 आ गई नेट फोर्स, है ना। तो डीएसटी ये ऑब्जेक्ट हो गया बैलेंस्ड, यानी कि अब ये मूव नहीं करेगा, है ना। तो देखो जो भी इस डायरेक्शन में जाता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही थी तो हम लोग इसको देंगे -5।
ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें भी ये चीज़ यूज़ होगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं हम लोग इधर। ओके, सो द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स अगेन स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स। अब देखो बच्चे फिर हार्डर पुश करते हैं लेकिन फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, फिर फ्रिक्शन फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में लग जाती है और फिर से बॉक्स मूव नहीं होता है ना। अब देखते हैं क्या करते हैं बच्चे। इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शनल फोर्स एंड देयर इज द अनबैलेंस फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। अब क्या हुआ, बच्चों को आ गया गुस्सा, बच्चों ने कहा कैसे मूव नहीं हो रहा है बॉक्स, तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने और हार्डर फोर्स लगाई, और जब इन्होंने और हार्डर फोर्स लगा दी तो ये फ्रिक्शनल फोर्स से ओवरकम करके आगे और इनका बॉक्स मूव होने लग गया क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई है ना। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए और जब ये अनबैलेंस्ड हो जाए सिचुएशन, क्योंकि देखो 5 न्यूटन सपोज मान लो 5 न्यूटन की फोर्स ये बच्चे अप्लाई कर रहे हैं दोनों मिलके उस डायरेक्शन को, तो ये तो 5 न्यूटन पॉजिटिव है। अब फ्रिक्शनल फोर्स इधर बेचारी 3 न्यूटन की लग रही है ना, तो अब इसका अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो वो हो जाएगा 5 प्लस माइनस 3 जो कि हो जाएगा आपका -2 है ना। और जब हमारा 0 आई नहीं रहे तो इसका मतलब नेगेटिव फोर्स है, और ये 2 कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आपका इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि बच्चे इस डायरेक्शन को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं है ना। तो आई होप इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन। This is again because of the frictional force acting opposite to the direction of motion. अब देखो डिस्टर, आपने देखा होगा जब आप बाइसाइकिल राइड करते हो, जब आप अपना पेडलिंग करना छोड़ देते हो तो बाइसाइकिल जो है धीमी होना स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली स्टॉप भी हो जाती है ना। तो डिस्टर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पेडल नहीं करते हो तो क्या होता है, बाइसाइकिल और जो आपका रफ सरफेस है नीचे रोड का वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं, उनकी इरेगुलरिटीज के चक्कर में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमें पोस्ट करती है, बिकॉज हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे ना पैडल करके है ना। तो दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन ऑर्डर टू कीप बाइसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। इट डज अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स। इस समय ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है अनबैलेंस फोर्स के उसमें, और जब बैलेंस फोर्स हो जाती है तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो ये भी मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई बैलेंस फोर्स कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकती है, मोशन से जो है रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकती है, वो बस इतना ही चीज़ सोच के रखते हैं, जबकि रिस्टर ऐसा नहीं है। आप लोग सोचते हो कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ज़रूरी है कि भाई सिर्फ अनबैलेंस फोर्स ही लगी है, ऐसा नहीं होता डिस्टर। अनबैलेंस फोर्स उसमें भी आती है बैलेंस फोर्स जब आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही चल रहा है और उसको मोशन से बस ये चीज़ है कि बैलेंस फोर्स रेस्ट में वापस नहीं ला पाएगी है ना। तो डियर स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट जैसे सपोज मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, बिल्कुल एक रोड में चले जा रहा है है ना, तो ये एग्जांपल इन्होंने भी दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है कंटिन्यूस वो चल रहा है ना, जहाँ पे उसकी पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो है सेम है लेकिन वो ऑब्जेक्ट तो मोशन में है ना। तो डिस्टर ये क्या ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, नहीं ये बैलेंस फोर्स है बिकॉज इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी बैलेंस है और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी बैलेंस है और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो डिस्टर ऐसी सिचुएशन में भी आपकी बैलेंस फोर्स ही होती है और इस सिचुएशन में बैलेंस फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को रेस्ट में नहीं ला पाती है, रेस्ट के लिए अगेन हमें अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ बैलेंस्ड है तो फिर ऑब्वियसली बात है क्या होगा, अगर कोई चीज़ बैलेंस्ड होगी तो फिर जो है उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा और क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता और मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता। वहीं पे अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं और मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को। तो डियर स्टूडेंट चलिए अब इधर आगे बढ़ते हैं।
तो ये सारी मिसकंसेप्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, होगा ये मिसकंसेप्शन जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी भी रिपीट करा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा डियर स्टूडेंट, अनबैलेंस फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकती है और एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसको रेस्ट में भी ला सकती है, ये अनबैलेंस फोर्स कर सकती है। बैलेंस फोर्स डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, बैलेंस फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकती और मोशन से किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी नहीं ला सकती। इसमें जो एग्जांपल दिया था ये मोशन में चलने का था, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है मोशन में और उसकी फ्रिक्शनल फोर्स और जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है वो दोनों सेम है, लेकिन वो मोशन में ही चला जा रहा है, वो कभी रुक नहीं पाएगा, है ना। रुकने के लिए अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना डियर स्टूडेंट। आई होप ये समझ में आ रहा हो आपको, कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अनबैलेंस बैलेंस फोर्स नहीं समझ में आया हो मैं एक और बार आपके लिए वीडियो बना के समझाऊंगी, लेकिन आप जो है इसको अच्छी तरह समझिए, ठीक है। आप देखिए नेशन नेक्स्ट क्या लिख रखा है इसमें, इफ अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट देयर विल बी चेंज ईदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डस टू एक्सेलरेट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड द चेंज इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, हाउएवर इफ दिस फोर्स इज रिमूव कम्प्लीटली द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड टिल देन, ठीक है। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स हमने पूरी हटा दी तो वो उसी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा। अब डियर स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। हमने पढ़ा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में, हमने ये भी पढ़ा फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या चीज़ होती है, क्या फोर्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी। तो जैसे इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर मिसकंसेप्शन हो या फिर कुछ भी हो, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।